सरासर गलत हुआ है इमरान खान के साथ। फिर सारे झूठा पर्चे बना के उसको अंदर कर दिया, इलेक्शन का लिखवा, इलेक्शन ना लड़े। अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत ले भी लेती है तो कुछ भी नहीं होगा, बकाया जो उसके ऊपर तकरीबन 80-90 केस पड़े हैं तो इंशाल्लाह ताला दोबारा गिरफ्तार होगा और इसको सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसी सहूलत जैसे जिन्हें नवाज शरीफ को दी है उसी तरह इमरान खान को भी देनी चाहिए। पर ठीक हो गया, जो भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा हैदर। नाज़रीन, तोशाखाना केस में इमरान खान को जो है वो 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और साथ में 1,00,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। और दूसरी जानिब आज की जो खबर है वो ये है कि इमरान खान को 3 साल के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नाअहल भी कर दिया है। इस पर शहरियों से बात करेंगे कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरासर गलत हुआ है इमरान खान के साथ। वही मुल्क का आगे सही मुल्क को ठीक कर सकता है, उसको वज़ीर आज़म बनना चाहिए। मैं तो इंशाल्लाह PTI को वोट दूंगा। नेक्स्ट भी जो है वो केसेस खोले जाएंगे, ये तोशाखाना वाला केस था, क्या उनके साथ जुल्म किया गया, अच्छा नहीं किया गया जी? उनके करवाने इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था उसे जी, लेना चाहिए था। ठीक नहीं हुआ उसके साथ? आप ठीक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया है उसके मुताबिक चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो बात है, वो बात ऐसी है कि वो तो इलेक्शन का काम नहीं है, ये अदालतों का काम है कि वो अदालत कैसे कर रहे हैं उसका काम है, ये इलेक्शन का कमीशन का काम नहीं है, उसका ये है नहीं है वो। तो दूसरा जो बात है, इनको जो नाअहल करते हैं दूसरा वो किसी काम किसी बात पर नाअहल करते हैं। फिर सारे झूठा पर्चे बना के उसको अंदर करते हैं, इलेक्शन का लिखवा, इलेक्शन ना लड़े। तो वो जो आवाम है, आवाम उनके साथ, आवाम 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं। कहा ये जा रहा है कि अभी और केसेस होना बाकी है, उनके फैसले आना बाकी है। केसेस जो उनके ऊपर डालता रहता है, हर चीज़ उसके ऊपर डाल देता है। तो चलो अल्लाह है, अल्लाह सब कुछ सही करेगा। मतलब खान साहब को हिस्सा लेना चाहिए था, उन्हें नाअहल नहीं करार देना चाहिए? हाँ जी, ये तो नाअहल तो ये सही नहीं है, ये नाअहल नहीं करना चाहिए था। आपस में बैठ के बात करना चाहिए था, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहिए था। ये आपस में लड़ लड़ के देखो की हालत हो गया पाकिस्तान की, सब जवान लड़के बस बाहर जा रहे हैं, इनको पता है कि कितना लोग बाहर जा रहे हैं, ये मजदूरी नहीं आ ले, ये बड़ा मुसीबत बने। आटा देखो, चीनी देखो, दालें देखो, हर चीज़। हम खुद पाकिस्तानी हम इधर कहते नहीं, उनको भी पता है कि महंगाई है कि नहीं। कल फिर 6 रुपये इन्होंने तो खुदा दिया बिजली का, तो ये लोग किधर जाएगा? घर खाली करेगा, कोई बिल नहीं दे सकेगा। तो ये गलत बात है, इसको सही करे। जो अभी दुनिया ने वो पैसा दे दिया इनको, पहले चीनी 110 रुपये 90 रुपये था, अब जब पैसा आ गया उसने 145 रुपये कर दिया, तो ये तो अच्छा नहीं है ने? ये पैसा किधर जा रहा है? तो मसला है कि गरीब आवाम के लिए कुछ करे, पाकिस्तान के लिए कुछ करे। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ज़राती मुल्क है, दुनिया में ऐसे मुल्क नहीं है। दुनिया में बर्फ़ पड़ा होता है यानी ठंड होता है, उधर फसल नहीं होता है, इधर 24 यानी इधर हर चीज़ होता है, यानी 12 महीने में इधर फसल होता है, हर चीज़ होता है। चारों मौसम अल्लाह ताला, चारों मौसम में जो है वो हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ होता है। तो ज़राती मुल्क हम बात है कि हमारा सियासतदान सही नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने हर सहूलत हमें दी है, मौसम अच्छे दिए हैं, खुराक हर चीज़, ज़मीन अच्छी है, लेकिन जो यहाँ पर हुक्मरान है वो अच्छे नहीं है। वो नहीं है, अच्छा नहीं है। आपस में लड़ते हैं कुर्सी के खातर, लड़के हैं जुबे भरते हैं, बाहर निकलता है वो, इधर तो बैठे नहीं, हम गरीब लोग बैठे हैं, वो किधर जा रहे हैं? वो इलाज लंदन में कर रहे हैं, घर लंदन में ले रहे हैं, तो वो घर इधर ले रहे हैं? हम कबायलिया लोगों से आया, इधर घर ले रहे हैं, इधर बैठे लाहौर में बैठे हैं, वो क्यों नहीं बैठेगा? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया से सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान है। हाँ, तो ये लोग बस सही नहीं है, लोग गलत है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक हो गया, जो भी हो गया ठीक होया, बेहतर हुआ उसका फैसला जी। अभी कह रहे हैं कि और भी केसेस हैं, उनके फैसले अभी आना बाकी है। हाँ जी, चोर होने के भाई फिर तो आना ही आना है, चोर होने तो आने। हाँ, खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जड़ी जेल में दिती गई है वो अच्छी नहीं है, कीड़े मकोड़े ने, नमाज पढ़ने की भी जगह नहीं है। वो वधिया चोरों से फिर एंजी होना चाहिए, होना चाहिए।
सहूलियत नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए उन्हें मुल्क को सहूलियत नहीं दी भी इंज होना चाहिए। कोई रिलीफ नहीं आया इसी मुल्क चे दौरे हुकूमत पॉइंट नहीं 300 रुपये पेट्रोल हो गया जी असं मैटर धक्के खा रहे हैं लब्बा इकवाले नू बाइक नू देओ हां जी बस ना नवाज शरीफ ना इमरान खान लब्बा इक मौलविया नू बस मौलविया नू देना मौलवी ने तो देना है मेरे मौलवी सामने भी तो नहीं ना आ रहे वो भी काम तो पूरा नहीं उतर रहे इंशाल्लाह उतरेंगे उतरेंगे उम्मीद है उम्मीद है। चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ ठीक हो गया है, जब से इमरान खान आया इसने मुल्क को तबाह कर दिया है और कुछ भी नहीं छोड़ा। कम से कम मियाँ साहब की हुकूमत थी तो काम ठीक था, पहले जो 5 साल मियाँ साहब जो बाहर चला गया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को अभी आना चाहिए, इसीलिए कि इमरान खान आया उसने बहुत बहुत पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। मुझे तो लगता है जैसे वो है ही यहूदी, वो मुसलमान है ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ दिखाता था और करता कोई था आज तक ने कोई भी मुल्क के लिए उसने अच्छा काम किया तो हमें दिखा दें, कुछ भी नहीं किया, ना उसने सड़क बनाई ना गलियों मोहल्लों में आया, सिर्फ वो बस वो एक ना खत ले के लहराता रहा कि वो जी अमेरिका की तरफ से ये आ गया वो आ गया, लेकिन सारी बकवास थी, जितने के जितनी बातें उसने की सब झूठ बोली हैं, कोई बात इमरान खान ने सच नहीं गई। अभी तो आवाम को भी पता चल गया है कि इमरान खान झूठ बोल रहा है, कोई उसका साथ देने वाला बिल्कुल बंदा नहीं है। ये मत सोचें कि उसका अगर MN या MPA हमारे गाँव में जाएगा कहेगा कि हमें ओढ़ दो, कोई भी नहीं जाएगा, जो भी जाएगा जुतियाँ खा के आएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया 5 साल हुआ, हाँ जी, और 3 साल की कैद की भी सुनाई, कैद भी तोशाखाना केस में सुनाई गई है, 1 साल का 1,00,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, मतलब ये ठीक किया गया। और दूसरी जानिब और भी ऐसे केसेस हैं राणा सनाउल्ला के मुताबिक, वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो ये पहला केस था, अभी और भी केसेज हैं, अभी और भी जो है फैसले आना बाकी हैं, इसी पर ही खान साहब घबरा गए हैं। तो मैंने आज भी खबर सुनी है कि वो वकील कभी कोई चेंज कर रहा है, कभी कोई चेंज कर रहा है, लेकिन इमरान खान जो कुछ मर्जी कर ले, अगर एक केस से अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत ले भी लेती है तो कुछ भी नहीं होगा, बकाया जो उसके ऊपर तकरीबन 80-90 केस पड़े हैं तो इंशाल्लाह ताला दोबारा गिरफ्तार होगा और इसको सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, नाअहल क्यों करार किया देना नहीं चाहिए, लेकिन जो है ना ये अपना उन्होंने बदला लिया, जैसे कि नवाज शरीफ को नाअहल किया है, अब जो है ना वो आके उसको नाअहल कर दिया है, ये गलत है, सरासर गलत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, एक बड़ी पाकिस्तान की बड़ी जमात है, इलेक्शन में हिस्सा लेना मतलब नहीं रोकना चाहिए, नाअहल नहीं करार देना चाहिए आपका ये फैसला? हाँ उन्होंने गलत किया नहीं नाअहल करार देना, लेकिन वो आए और जो है ना इलेक्शन उनको करने चाहिए नाअहल करार, ये उन्होंने गलत किया। राणा सनाउल्ला का कहना है कि अभी ये एक केस है, अभी और केसेस भी हैं, उन पर फैसले आना भी बाकी हैं, अभी तो ये पहले का है, तो इस पर ही खान साहब जो है घबरा गए हैं। नहीं उनको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान घबराता भी नहीं है और ना ही घबराना उसने, ठीक है वो अपने सब्र हौसले से काम ले रहा है, लेकिन वो अब इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेगा आएगा और आना चाहिए उसको, लेकिन ये आवाम उनके साथ है, फैसला दुरुस्त नहीं है। और दूसरी जानिब खान साहब का ये भी बयान आया है कि जिस तरह का उन्हें जो है वो माहौल दिया गया है जेल में, कीड़े मकोड़े जो हैं वो होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, वाशरूम भी वहीं है, वक्त के वज़ीर आज़म को जो है वो सहूलियात तो देनी चाहिए ना, जिस तरह इनको दी गई हैं, इनको बेड लगा कर दिए गए, AC दिए गए, TV लगा कर दिए गए। हाँ यही है ना, अब जब जो नवाज शरीफ को पकड़ा गया वहाँ पे नाअहल करा दिया गया, जेल में गया, क्या वहाँ पे कीड़े मकोड़े थे, क्या जो है ना उनको ये सजा दी गई, इनको क्यों दी गई, क्यों दे रहे हैं, लेकिन इनको नहीं देना चाहिए ऐसी सहूलत जैसे जिन्हें नवाज शरीफ को दी है उसी तरह इमरान खान को भी देने चाहिए, ये सरासर गलत है, लेकिन उनको चाहिए ये काम उनके ज़िम्मे है, वो भी ऐसा ही इंतजाम करें जैसे नवाज शरीफ के लिए किया गया था। इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक हमने शहरियों से बात की है, सभी का यही कहना है कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, कुछ का कहना है कि जो अदालती हुक्म आया वो बिल्कुल दुरुस्त आया और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला हमारे सर आंखों पर है। मज़ीद